बरेली में हाल ही में घटना ने बॉलीवुड की पुरानी फिल्मों की यादें ताजा कर दी, जहां परिवार और रिश्तेदारों के बीच संपत्ति के बंटवारे को लेकर संघर्ष तो होता था, लेकिन बरेली में इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है, जहां एक तांत्रिक के घर से लाखों रुपए का कैश बरामद कर लिया गया। और इतना ही नहीं, यहां बोरियां भर भर कर सोने चांदी के गहने भी बरामद हुए। पुलिस को इसकी जानकारी तब हुई जब तांत्रिक की दो शिष्याओं के बीच इन पैसों के विवाद को लेकर यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। बहेड़ी में ताबीज देने और झाड़ फूंक करने वाले तांत्रिक अतहर मियां की तबीयत खराब हो गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तांत्रिक के पास कितना पैसा है और ये सब कहां रखा हुआ है, इसकी जानकारी उसकी दो शिष्यों को थी। तांत्रिक के पैसों को लेकर मकान मालिक और मियां की शिष्यों के बीच विवाद हुआ, तब यह मामला पुलिस तक पहुंच गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि पुलिस ने तांत्रिक मियां के घर से करीब 25 लाख रुपए कैश और साथ ही 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के बेशकीमती जेवरात और अपने कब्जे में ले लिए। तो देखिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां बरामद की गई। एक तांत्रिक के घर से लाखों का कैश मिला, लगभग 25 लाख रुपए बताए जा रहे हैं जो घर से बरामद की गई। बोरियों में सोने चांदी की ज्वेलरी रखी गई थी जो बरामद की गई। करीब 25 लाख कैश और साथ ही करोड़ों की ज्वेलरी मिली है जो तांत्रिक के पास से बरामद की गई। तांत्रिक की तबीयत बिगड़ी, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसके बाद तांत्रिक की दो शिष्यों में रुपयों को लेकर यह विवाद हुआ। और विवाद आपको बता दें कि मकान मालिक और दो शिष्यों में विवाद हुआ, तो वहीं करोड़ों की ज्वेलरी 25 लाख हड़पने को लेकर विवाद हुआ और ये पूरा विवाद पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी में 25 लाख रुपए के आसपास कैश बरामद किया। तो वहीं आपको बता दें करोड़ों की ज्वेलरी मिली है, सोने चांदी की ज्वेलरी भी बरामद की गई, बोरियों में रखी गई थी। तो देखिए तस्वीरें देखिए, किसी बैंक की नहीं है, ये वही नोटों की गड्डियां हैं जो तांत्रिक के घर से बरामद की गई। तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं आप कि लगभग 25 लाख रुपए कैश बताया जा रहा है जो बोरे में रखा हुआ था और उसके बाद ज्वेलरी अलग से 1 करोड़ रुपए के आसपास की ज्वेलरी जो है वो बोरों में रखी गई थी। और ये पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा और उसके बाद ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आया। और संभल जिले में छुआरों को लेकर भीषण संग्राम हो गया।